बुनियादी जिम्मेदारी हमारी भी और मीडिया की भी इस टाइम ये हो कि हम लोगों को एजुकेट करें। रोड का शुगर लगा हुआ है, 5 साल लगा रहेगा, करने दें उन्हें। और वैसे शिफा यूसुफ जी जो हैं, गलत लैंग्वेज वो यूज़ करके इंतहाई गलत चीज़ें कर रही होती हैं कि हमने पॉलिटिक्स जो है क्वारंटाइन कर दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ टीवी और मैं हूँ वैद भट्टी। नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया और कुछ चैनल, कुछ सहाफ़ी जो हैं वो पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत के खिलाफ जब से वो बनी हैं तब से प्रोपेगंडा कर रहे हैं। लेकिन मौजूदा हालात में जब कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है तो ये प्रोपेगंडा मज़ीद ज़ोर पकड़ गया है। इस हवाले से कुछ ज़रूरी सवाल थे जो हम पंजाब हुकूमत के फोकल पर्सन हैं सोशल मीडिया के, उनसे पूछने के लिए अज़हर मशवानी साहब के आज मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा अज़हर साहब, ये बताएं कि मेन स्ट्रीम मीडिया, कुछ चैनल्स, कुछ लोग या सोशल मीडिया के बड़े अकाउंट, वो पंजाब हुकूमत के खिलाफ ख़ास तौर पर और वफाकी हुकूमत के खिलाफ क्यों प्रोपेगंडा कर रहे हैं, मकसद क्या है? तो इस पर ये कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि क्यों कर रहे हैं और कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है। हमारी बुनियादी जिम्मेदारी ये, क्योंकि इस टाइम कोरोना वायरस एक आलमी वबा है, तो इस टाइम बुनियादी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, मैं उस पर बात करूँगा। बुनियादी जिम्मेदारी हमारी भी और मीडिया की भी इस टाइम ये हो कि हम लोगों को एजुकेट करें, हम लोगों को बताएं कि कैसे आप बच सकते हैं, आपको क्या क्या करना चाहिए, आपको अगर कहीं पे कोई सिम्टम्स हैं तो आप कहाँ पे कांटेक्ट करें। ये इस टाइम सबसे बुनियादी चीज़ है। बाकी चीज़ें ये सियासत वगैरह और सियासी पॉइंट स्कोरिंग ये बाद में होती रहेगी और होनी चाहिए। और ये बड़ा अफसोसनाक है कि जो सारा पॉलिटिकल सारी चीज़ें होती हैं, जिस तरह सिंध गवर्नमेंट के लोग भी नासिर हुसैन शाह साहब कहते हैं कि हमने पॉलिटिक्स जो है क्वारंटाइन कर दी है, और हम साथ ही देखते हैं मुर्तज़ा वहाब साहब पॉलिटिकल वो कर रहे होते हैं, शैला रज़ा साहिबा की इंतहाई गलत लैंग्वेज वो यूज़ करके इंतहाई गलत चीज़ें कर रही होती हैं। इसी तरह इनके जितना भी एक इनका पूरा मीडिया जो सेक्शन है नून लीग और पीपल्स पार्टी का, वो भी उसी तरह से कर रहे होते हैं, खास मीडिया चैनल के और सारे जो हैं उसी तरह कर रहे हैं। कहा ये जा रहा है कि शहबाज शरीफ लंदन से किसी स्पेशल मकसद के लिए पाकिस्तान आए हैं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो मामला को संभाल नहीं पा रही, तो ब्यूरोक्रेसी और जितने भी मिनिस्टर्स हैं, सियासतदान हैं, वो सब उसको रिपोर्ट कर रहे हैं इन हालात पर काबू पाने के लिए। तो क्या आप शहबाज शरीफ को रिपोर्टिंग कर रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब का ना आजकल बड़ा मज़े का लैपटॉप रखा होता है, मास्क लगाया होता है, जैसे लैपटॉप में से उन्हें वो पता नहीं कंप्यूटर वाले वायरस को समझ रहे हैं, कोरोना वायरस समझ रहे हैं। और डेली उन्हें जो लगता है कि गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लेना है, गवर्नमेंट ये फैसला करने जा रही होगी, तो वो फौरन से वो ट्वीट स्टार्ट कर देते हैं, फौरन से वो अपनी प्रेस रिलीज सारी जारी करके शुरू हो जाते हैं कि जी ये करना चाहिए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को तब तक छुट्टियां देनी चाहिए, गवर्नमेंट को फीसेज इस तरह कम करनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी हम वो थोड़ी बहुत हिंट दे चुके होते हैं कि ये हम डिसीजन लेने जा रहे हैं। तो वो उनका शुगर लगा हुआ है, 5 साल लगा रहेगा, करने दें उन्हें। क्या आपने कोई ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की है अभी तक शहबाज शरीफ साहब के साथ? बस शहबाज शरीफ वो जो कंप्यूटर पर बैठ के कर रहा हो, वो तो अपने नून लीग वालों के साथ करें। और बाय द वे मैं ब्यूरोक्रेट नहीं हूँ, मैं पीटीआई सोशल मीडिया टीम का मेंबर हूँ, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और वॉलंटरीली यहाँ पे। नहीं, मालूमात तो आपके पास होती होंगी ना कि हुकूमत किस तरह से चल रही है, किसको रिपोर्टिंग हो रही है, तो वो बहुत कहा जा रहा है ना कि शहबाज शरीफ को रिपोर्टिंग हो रही है, तो मैं आपसे पूछ लूँ, शायद आपके इल्म में हो। नहीं है। अच्छा, कुछ सहाफ़ी हैं जैसे फहद हुसैन है, सीएम के खिलाफ उन्होंने खबर एक दी थी, आपको पता ही होगा। उसके बाद और जंग और जियो ग्रुप के बहुत सारे लोग हैं, फिर आजकल अरशद शरीफ बहुत ज़्यादा पीटीआई के लोगों के खिलाफ खास तौर पे कंपेन चला रहे हैं, जुल्फी बुखारी के खिलाफ एक बहुत कंपेन चलाएगी, बल्कि अब तो बंदा बंदा ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस जो है ना वो जुल्फी बुखारी लेके आए और एल तशी आ रहे हैं ईरान से वो लेके आए, इस प्रोपेगंडे के बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा, मैं सीएम बलोचिस्तान को सुन रहा था, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बताया कि ये होता क्या है। बेसिकली ये जब भी ईरान वाले वहाँ काफ़ी अरसे से पाकिस्तानी, जो कि पाकिस्तानी शहरी हैं सारे, चाहे उनका किसी भी फिरके से तल्लक है, किसी भी तरह से तल्लक है, वो पाकिस्तानी शहरी हैं, वो वहाँ पे हैं, ईरान वाले वहाँ से उन्हें पाकिस्तान धक्का दे के धकेल के और बॉर्डर बंद कर देते हैं, तो पाकिस्तान क्या अपने शहरियों को क्या करे, वहाँ से वापस ना लाए, और वो लोग तो सारे क्वारंटाइन में, उनकी वजह से तो कहीं पर कुछ नहीं फैल रहा। और सेकेंडली, आजकल तबलीगी जमात के बारे में लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, उनके ख़िलाफ़ गलत बातें करते हैं, देखें किसी को भी हो सकता है वायरस, किसी के साथ भी, आपके साथ, मेरे साथ, किसी के साथ कहीं भी लग सकता है, तो ये इसको बिल्कुल भी मजहबी रंग देना, शिया सुन्नी की वो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है।
ये किसी के साथ भी हो सकता है, बोरिस जॉनसन के साथ हो गया, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर उनका पॉजिटिव आ गया, तो ये इस तरह से इसको कोई मजहबी रंग देना या सियासी रंग देना ये बहुत गलत बात है। जंग जियो डॉन और चंद एक और चैनल हैं, उनका तो समझ आता है कि गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों है, लेकिन इस मौजूदा सूरत हाल में अरशद शरीफ, रऊफ क्लासरा, खावर गुम्मन, मोहम्मद मालिक और इस तरह के लोग जो हुकूमत के खिलाफ हुए हैं, इसकी क्या वजह है आपके मुताबिक? जैसा कि उस टाइम प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा था और मैंने भी अभी पहले भी आपके क्वेश्चन के जवाब में बोला है कि ये टाइम है कि हमें सिर्फ और सिर्फ लोगों को एजुकेट करने पे बात करनी चाहिए। इस टाइम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग बाद में हो सकती है, आप बाद में रेट कर सकते हैं कि कौन सा वजीर आला ने क्या काम किया, किसने क्या काम किया। अब जब पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग शुरू होती है तो मजबूरन हमें जवाब देना पड़ता है, क्योंकि हमारे वर्कर, हमारे सपोर्टर्स हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जवाब दें, मजबूरन हमें देना पड़ता है, हम स्टार्ट नहीं करते। तो इस टाइम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, जर्नलिस्ट भी, जितने भी लोग जिनको सोसाइटी सुनती है, जिनको सोसाइटी फॉलो करती है, उन सब की जिम्मेदारी है कि इस टाइम सिर्फ और सिर्फ लोगों को एजुकेट करें, क्योंकि आलमी वबा के अंदर इस टाइम हम फंसे हुए हैं। तो मेरा मैसेज भी यही होगा दोबारा से। खान साहब ने टाइगर फोर्स बनाने का ऐलान किया कि जो लोगों को इन हालात के अंदर घरों तक राशन पहुंचाएगी या सिस्टम के साथ चल के काम करेगी, लेकिन अरशद शरीफ ने उस टाइगर फोर्स को डॉग्स के साथ तशबीह दी है। इस बारे में एक पीटीआई के वर्कर होने के नाते, सोशल मीडिया के रुकन होने के नाते आपके क्या जज्बात है, आप क्या कहना चाहेंगे? अरशद साहब ने पनामा की जितनी भी वो थी, जितनी भी स्ट्रगल चल रही थी उस टाइम पे, बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग की, सारा कुछ किया। ये ट्वीट उनकी बहुत गलत थी और बड़ी गलत वो लैंग्वेज उसके अंदर यूज़ की गई, तशबीह दी गई कुत्तों के साथ, तो ये बड़ा गलत था, इस तरह नहीं होना चाहिए। हम लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए और इस तरह जब जर्नलिस्ट वगैरह जिनकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग होती उन्हें इससे भी ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें ना हो। मौजूदा हालात में वफाकी और सूबाई हुकूमत आवाम को बहुत सारा रिलीफ देने के लिए पैकेजेस अनाउंस कर रही है, तो क्या इन हालात में सहाफ़ियों के लिए भी कोई रिलीफ का ऐलान मुतवक्के है? कल सीएम साहब से ये क्वेश्चन किया था इरशाद आरिफ साहब ने शायद, तो उन्होंने उसके जवाब में कहा था कि हम इस पर भी इंशाल्लाह काम करें। पहले ही हमने अनाउंस किया हुआ है, जितने भी जर्नलिस्ट हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट जो हैं उनके लिए हमने सेहत इंसाफ कार्ड का ऐलान किया हुआ है, और आपको पता होगा ये सहाफ़ी कॉलोनीज़ वगैरह का काफ़ी अरसे से इशू था, वो भी हमने रिजॉल्व किया, तो इंशाल्लाह इस पर भी हो रहा है। नहीं, राशन की तकसीम के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे हैं, आपको पता होगा, मामूली तनख्वाहें ले रहे हैं, कैमरामैन हैं, उनमें रिपोर्टर्स भी हैं, या उनमें जो स्टाफ डेस्क पे बैठा होता है उसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत थोड़ी तनख्वाहें हैं उनकी, तो उनके हवाले से कोई मैकेनिज्म, कोई सिस्टम, कोई तरीकेकार, क्योंकि ये लोग तो वायरस से भी एक्सपोज्ड हैं, कुछ फील्ड में निकलते हैं, जाते हैं, कवरेज करते हैं। अच्छा, एक तो हमारा जनरल पूरा हमारा तरीका है, आपको पता ही है कि SMS करना है और उसके ज़रिए आपके डेटाबेस में सारा चला जाता है, डेटाबेस में उन लोगों को वेरीफाई किया जाएगा और वेरीफिकेशन के बाद उनको इमदाद वगैरह दी जाएगी। राशन वाला ऑनलाइन कल एक वेबसाइट का लिंक दिया है डॉक्टर सानिया निश्तर ने, उसके ऊपर जाके किसी ने राशन देना है या लेना है तो वो वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि जो हमारे इस तरह के सहाफ़ी भाई हैं उन्हें भी करना चाहिए, और स्पेशली मीडिया हाउसेस जो हैं, जो मालिकान हैं, इतना प्रॉफिट कमाते हैं, इतना कुछ पास्ट में काफ़ी पैसा कमाया हुआ है, तो उन्हें भी अपने सहाफ़ियों की असल काम जो करते हैं फील्ड के अंदर उनका ख्याल रखना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। कोई ऐसा सहाफ़ी जो मौजूदा हालात के अंदर हकीकी रिपोर्टिंग कर रहा हो, जो एक सहाफ़ी की जिम्मेदारी बनती है कि हकायक को बैनी ही रिपोर्ट करे और कोई प्रोपोगंडा ना करे, क्या आप किसी ऐसे सहाफ़ी को जानते हैं, कोई नाम ले सकते हैं? वैसे शिफा यूसुफ जई जो हैं उनका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त होता है हमेशा, बड़ा अगर क्रिटिसिज्म भी हो बड़ा कंस्ट्रक्टिव होता है और उसमें बड़ा एजुकेट करते हैं वो लोगों को, तो आई थिंक, और उनकी ट्वीट्स वगैरह भी बड़ी अच्छी होती हैं। मतलब सिर्फ एक शिफा यूसुफ जई हैं, इसके अलावा कोई अभी मेरे जहन में कोई आ नहीं रहा, लेकिन